हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, पिछले पार्ट में आपने देख लिया होगा कि हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कई अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, इसके कई पार्ट्स हैं। इन द फॉलोइंग APs फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेज। अच्छा, यहाँ पे कुछ बॉक्सेज बना रहे हैं, गायब कर रखे, बस दो टर्म्स यहाँ पर गिवन है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर पहला है 2, फिर यहाँ पे डिब्बा बना रखा है, फिर है 26। ठीक है, 2 फिर है 26। तो देखो भाई, पहली टर्म यहाँ पर 2 है और तीसरी टर्म 26 है। तो पहली टर्म यहाँ पर क्या है, 2। तो A1 कितना है, 2, एक की A1 ही A होता है, और तीसरी टर्म कितनी, 26। तो मतलब A3 की वैल्यू कितनी है, 26। तो देखो इसको कैसे कैसे करेंगे हम। यहाँ से पता तो चली गया कि A की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, D की वैल्यू नहीं पता, उससे हमें फिर ये बीच वाली टर्म मिल जाएगी। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे A3 कितना है, 26। तो A3 इक्वल टू 26 से A3 का फॉर्मूला लगा देते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D होता है कि नहीं होता। अरे An का फॉर्मूला होता है A+N-1 × D। तो A3 का क्या होगा, A3 का होगा अपना A+3-1 × D। तो ये 3-1 हमेशा नहीं, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसका एक कम कर देना, क्योंकि यहाँ पे N-1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो A3 के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, 2। A+2D कितना, यहाँ पे 26। ये एक की वैल्यू जो यहाँ पर हमें पता चली वो यहाँ डाल दो, 2+2D = 26। 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2D = 24। ये 2 उसको काट देगा, तो D = कितना आ गया, 12 आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो हम बीच वाली वैल्यू पता कर सकते हैं, जो बीच जो डिब्बा बना रखा ना, ये दूसरे नंबर की टर्म है। तो दूसरे नंबर की टर्म क्या होगी, A+D होती कि नहीं होती, A पहले नंबर की टर्म A होती है, दूसरे नंबर की प्लस A+D होती है। तो 2+12 कितना आ गया, 14। सेकेंड टर्म मिल गया हमें 14। सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें पहले पे डिब्बा बना रखा है, फिर 13, फिर दूसरे पर ब्लैंक कर रखा है, फिर 3 है यहाँ पर। तो देखो ये है A1, ये है A2, ये है A3, और ये क्या है, A4। हमें A2 दे रखा है और A4 दे रखा है। A2 = 13 है और A4 = 3 है। A2 का लगाते हैं फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको A मान लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी मान के काम स्टार्ट कर देते हैं। तो A2 = 13 है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D = 13। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3D = 3 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। देखो आराम से सोल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन कर लेते हैं, या फिर A की वैल्यू यहाँ से उठा के उसमें डाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन क्या होगा, उसकी इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ, A+3D = 3। इसकी इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूँ, A+D = 13। माइनस 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 ऐसे ही कट गया। तो 3D माइनस D कितना बचेगा, 2D। इधर 3-13 कितना बचेगा, -10। तो 2 उसको काटेगा, तो D कितना आ गया, -5। D कितना आ गया, -5। D की वैल्यू -5 आ गई, तो ये उठाकर कहीं भी पुट कर लो। D की वैल्यू -5 इसमें डाल दो, A+D = 13। तो A-5 = कितना आ गया, 13। 5 उधर चला गया, A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 13+5 = 18 आ गई। बीच वाली टर्म्स मिसिंग है जो लिख देते हैं यहाँ पर। A1 मिसिंग है, A1 A ही होता है, वो कितना हो गया, 18। फिर A3 मिसिंग है, A3 कितना होता है, A+2D। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी, 18 प्लस टू डी कितना है यहाँ पे, -5। इसको सोल्व कर लेते हैं, 18-10 कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, A3 अपना 8 आ गया। इस टाइप से हम इन चीज़ों को भर लेंगे। करते हैं क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो किस में क्या रखा है, 5 है, फिर बीच में डिब्बा, फिर डिब्बा, ये पेन खत्म हो गया। अभी अगला पेन आ गया। इसमें लिखा है 9/1/2। पहले तो इस नंबर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये A1 है, ये 5 जो है ये A1 है,
ये क्या है a2, ये a3 और ये है a4। और इस a4 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, a4 जो ना इस यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना इसको चेंज कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो ये 4 अपना कितना है 19/2 है। देखो भाई a1 कितना है 5, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 5, तो और दूसरी चीज़ a4 कितना है 19/2, तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है a+3d, ये कितना है 19/2 के बराबर। यहाँ से a तैयार है, यहाँ डाल दो तो कितना हो गया 5 + 3d = 19/2, ये 5 उधर चला गया तो 3d = 19/2 - 5। इसको सोल्व कर लेते हैं इधर, 3d = ये कितना हो गया 2 5 जा 10, तो ये आ गया 10 19 - 10/2 आ गया, तो 3d = 9/2, ये 3 उस 9 को काट देगा तो 3d कितना आ गया अपना 3/2 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 3/2। अब a पता चल गया, d पता चल गया, अब हमें निकालना क्या है a2 कितना होता है, a2 होता है a+d, और a3 क्या होता है, a3 होता है अपना a+2d, ये दोनों वैल्यूज इधर रख दो 5 + 3/2, तो कितना आएगा 5 + 3/2, 5 2 जा 10, प्लस 3 कितना गया 13/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप को चेंज कर ही लोगे इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या बनेगा 2 इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम्स, तो 6 आ जाएगा, ये 6 1/2 आ जाएगा इधर। फिर अगला a+2d, तो ये क्या बनेगा 5 + 2 × d कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 + 3 कितना हो गया 8 आ गया ये। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। अगला आया अपना फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखो काफ़ी बड़ा दे रखा है यहाँ पे, बीच में 4 डिब्बे दे रखे हैं, -4 है, फिर गायब, फिर गायब, फिर गायब, फिर गायब है, और ये 6 आ गया यहाँ पे अचानक से। तो देखो ये कौन सी टर्म है, a1, ये है a2, ये है a3, ये क्या है a4, ये है a5, और ये है a6। ठीक है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी गिवन है -4, तो a की वैल्यू कितनी होगी, ये पहली टर्म है ना, पहली टर्म -4, तो a की वैल्यू क्या होगी -4। और a6 कितना गिवन है 6, a6 = 6 है, तो a6 का फॉर्मूला क्या होता है a6 का क्या फॉर्मूला होता है a+5d = 6, ये a की वैल्यू यहाँ से तैयार है, इसमें डाल दो तो क्या बनेगा -4 + 5d = 6, -4 उधर चला गया तो 5d = 10 हो गया उधर, 4 + 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये 5 इसको काट देगा 2 टाइम्स में, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। हमें ये बीच वाली चारों टर्म्स पता करनी है, a2 का फॉर्मूला क्या होता है a+2, उन सब के अंदर पुट कर देंगे हम, a2 से लेके a5 पता करनी है, a2 a3 a4 a5। ठीक है, और हमें पहले से पता है कि a कितना आ गया यहाँ पे -4 और d कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, a की वैल्यू है -4 और d कितना है 2। अभी सोल्व करते हैं सारे, तो ये कितना होता है a+d, ये a+2d, ये a+3d, ये a+4d, a+d -4 + 2 कितना आ गया -2। वैसे आगे वाली टर्म पता कर सकते हो, इस -2 में फिर देखो d कितना है यहाँ पे, d 2 चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है, तो इस -2 में फिर 2 जोड़ दो 0, इसमें 2 जोड़ दो 2, इसमें 2 जोड़ दो 4, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला मिसिंग, फिर 38 है, फिर दूसरा मिसिंग, फिर ये मिसिंग है, फिर ये तीन, मतलब लगातार 3 मिसिंग है, फिर है -22। तो ये क्या रहेगा a1, ये a2 मिल गया हमें, फिर ये a3, ये a4, दिस इज a5 एंड दिस इज a6, ऐसा गिवन है यहाँ पर। तो a2 गिवन है 38 और इधर पैरेलल में कर लेते हैं a6 गिवन है -22। a2 मतलब क्या, a+d 38 है, a6 मतलब क्या, a+5d -22 है। इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन, इसको ऊपर रख लो a+5d = -22, उसको नीचे रख लो a+d = 38। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं, दोनों को माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 4d, ये कितना बचा, ये तो जुड़ जाएंगे यार, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, वो भी माइनस का, अब ये 4 इसको काट देगा तो d कितना आया माइनस का 15 आ गया,
ठीक है, माइनस का 15। अब देखो क्या पता करना है, सब कुछ पुट कर दो। अच्छा डी की वैल्यू आ गई माइनस 15, अभी तो ए की वैल्यू पता करनी है ना, तो डी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। ए प्लस डी बोला है 38 है, तो यहाँ पे डाल दो माइनस 15। ये माइनस इधर 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ए कितना हो गया 38 प्लस 15। हाउ मच, कितना होगा ये 38 प्लस 15 कितना होगा, 53 हो जाएगा आई थिंक, नहीं ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, 53 आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमें इस मिसिंग क्या क्या है, A1 मिसिंग है इस क्वेश्चन में, A1 मिसिंग है, तीसरा चौथा पांचवी टर्म मिसिंग है। तो A1, A3 और A4 और A5 ये मिसिंग है। A1 क्या होता है, A ही होता है, A3 क्या होता है, A+2D, A4 क्या होता है, A+3D, A5 क्या होता है, A+4D। यहाँ पे पुट कर दो ए, ए तो अभी निकाल लिया हमने 53, A+2D मतलब 53 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 15। आगे से आगे कर लेंगे, अभी देख लेंगे यार कितना होगा। यहाँ पर देखो 15 माइनस ये कितना, 15 माइनस 30 कितना होता है 23। इसमें फिर 15 कम कर दो क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15 ना, और ये लगातार है तीसरी चौथी पांचवी, तो इसमें 15 कम करेंगे तो कितना आएगा, 15 कम करेंगे तो 8 आएगा, इसमें से 15 कम कर दो तो 8 माइनस 15 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस 7 बच जाएगा। और बस मिल गया हमें सारी सारी टर्म्स। तो इस टाइप से करेंगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। या आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आप जब बता दें तो भी हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई देख रहा है हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।